तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। ये दिन का सेकंड वीडियो होने वाला है एंड हर ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे चैनल की रीच बढ़ जाए। तो प्लीज़ यार आप भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो ताकि मेरे चैनल की रीच थोड़ी बढ़ सके। एंड चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले अपन बात करने वाले BGMI के बारे में। तो आज सुबह स्पीरो ने पहले एक स्टोरी डाली जिस पर लिखा था बिग थिंग्स कमिंग। एंड इसी के बाद जब मेजी लाइव आए थे, स्पीरो लाइव आए थे, एंकी लाइव आए थे, तो इसी बारे में बात कर रहे थे कि BGMI की एक अनाउंसमेंट आने वाली है आज। एंड फिर एको स्पोर्ट्स ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि BGMI की लॉन्च पार्टी होने वाली है जो कि टेजरेक ई स्पोर्ट्स उसको मैनेज करेगी। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि घातक भाई, गोल्डी भाई, थग, स्नैक्स, क्रॉन्टन और भी बहुत सारे क्रिएटर्स रहने वाले हैं। जो लॉन्च पार्टी है ये 30 मई से स्टार्ट होने वाली है, ऐसे करके एको स्पोर्ट्स ने पोस्ट डाला था। एंड फिर जब एंकी लाइव थे तो इसी बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आप उनकी वो वाली क्लिप देख सकते हो। ये है कि जो गेम है वो इसी महीने आ रहा है, वो तो तुम लोग को खैर पता ही है। सेकंड थिंग, सेकंड ये है कि गेम आने के बाद जो पहली चीज होती है वो भी इसी महीने होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो गेम आने के बाद जो पहली चीज होती है वो इसी महीने होने की बातें हैं। आज बताओ आज क्या न्यूज, आज बस अपडेट आएगा। अपडेट इन द सेंस कि आना था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तुम लोग को जागरूक कराया जाएगा उस चीज से, ऐसा आज कुछ प्लान था, बट वो अभी तक तो नहीं हुआ। एंड फिर इसी के बाद मेजी एंड स्पीरो ने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर डिलेड लिखा हुआ था। तो अब क्या पता कि अनाउंसमेंट डिले हुई है या पूरा लॉन्च पार्टी डिले हो गया है, ये तो मैं आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अभी यही है कि जो अनाउंसमेंट होने वाली थी लॉन्च पार्टी की वो अब डिले हुई है। एंड देखते हैं कि अनाउंसमेंट कब होती है और फिर लॉन्च पार्टी कब से स्टार्ट होती है। आगे मुझे कोई अपडेट पता चलेगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। एंड अपने नेक्स्ट अपडेट की बात करते तो अपन बात करने वाले गॉडल के बारे में। तो जो गॉडल की कॉडेम की लाइनअप थी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्टेज 2 भी क्लियर कर लिया है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने स्टेज 2 क्लियर करा है। एंड वो स्टेज 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका स्टेज 3 स्टार्ट होने वाला है, तो उनको ऑल द बेस्ट स्टेज 3 के लिए। एंड होपफुली वो स्टेज 3 पे भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे जितना कि उन्होंने स्टेज 2 पे दिया है। अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अपन अब बात करने वाले ओमेगा एंड अल्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले तो अल्ट्रॉन जब लाइव थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप 8-bit के लाइनअप को छोड़ने वाले हो, तो इसका रिप्लाई करते हुए बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि पागल हो क्या, अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, ये उनका बेसिकली रिप्लाई था। एंड इसी के साथ साथ जो अल्ट्रॉन है वो बात कर रहे थे कि अब से कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी। बेसिकली अभी यही चल रहा है ना कि सबको पता है BGMI आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होगी BGMI आने के बाद। तो अल्ट्रॉन बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे थे कि अब से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है। एंड फिर जो ओमेगा है उन्होंने भी अपने सेकंड चैनल पे एक यही वीडियो डाली थी कि अब से नो कंट्रोवर्सीज। तो वो दोनों क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 600 बंदा है, 40-50 मैसेज कर रहा है, सब दे ट्राई तो कर ही रहा हूं। अब से फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम्स करेंगे, गालियां भी देंगे तो गंदी नहीं देंगे, कोई किसी के साथ कंट्रो नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, गेम आ रहा है, अपने को अपने से मतलब रखना है, किसी और से मतलब नहीं रखना, अपने को ना कोई बैन खाना ना कुछ कंट्रोवर्सी करके ना अपने को अपना इमेज करनी है। हम ईस्पोर्ट प्लेयर हैं, हम ईस्पोर्ट प्लेयर रहेंगे, स्ट्रीम करेंगे, पीसी स्ट्रीम करेंगे, फन स्ट्रीम्स भी होंगी, तो अपना ध्यान देंगे अपना यूट्यूब वगैरह पे, ग्रोथ करेंगे, ये साल ग्रोथ हो जाए, बस गेम भी कॉन्स्टेंट रहे तो मजा आ जाए, गेम रह जाए ना 2-3 साल बढ़िया भाई, ना बढ़िया सब चलता रहे, साथ ही साथ पीसी गेम्स भी हो गए थोड़े बहुत। इन शॉर्ट बात यह है 3 महीने वाला जो सीन है उस 3 महीने के अंदर अपने को अच्छे से रहना है, हर किसी के साथ नहीं करना है, 3 महीने के बाद भी नहीं करना है अपने को, प्यारी समझ गई। बट ऐसा 3 महीने के बाद अगर गलती से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सेप्टेबल, थोड़ा सा इन विद इन 3 मंथ्स ये वाले अभी वाले इसमें एक्सेप्टेबल नहीं। एंड नेक्स्ट अपडेट है हाइड्रा ऋषभ की तरफ से। तो उन्होंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसपे उन्होंने लिखा था गेम कमिंग बैक एंड सो एम आई। तो देखते हैं कि उनका क्या सीन रहने वाला है, कौन सी लाइनअप से वो खेलेंगे। एंड बस अभी अपनी वीडियो को ये पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।